कुछ जो यहाँ पे शुरका हैं जलसे के, वो 5 मुनहरिफ अराकीन जो है उनको भी साथ ले गए हैं, बल्कि इनकी तादाद जो है बल्कि 5 ही है, 5 मुनहरिफ अराकीन है। इनसे पूछेंगे कि इन्होंने ये मुनहरिफ अराकीन जो है ये कहाँ से ढूंढे, इन्हें इनको कहाँ पे मिले और उन्हें किस तरीके से इस जलसे में साथ लेके आए। जी बताइएगा भाई, हम बेसिकली उकाड़ा से आए हैं, उकाड़ा से इमरान खान के यहाँ पे तकरीर सुनने के लिए लोटे जाहिर करने के। नूर अहमद खान का आपको पता है, उन्होंने पहले लोटा यूज करता था, अब उसको लोटे से इतना डर है कि उसने कंबोर्ड लगा रहा है वाशरूम में, लोटा यूज नहीं करता। अच्छा ये बताइएगा, ये जो 5 मुनहरिफ अराकीन आप साथ लेके हैं, इनमें से है कौन कौन सा? ये उनसे एक वजीर नुमाइंदा है, आसिफ सरदारी है, बिलावल भुट्टो है और अपना ये तो पीपल पार्टी नून लेके है ना, ये हमारी तादाद नहीं है मुकम्मल, हम वैसे उनकी निशानी के तौर पर लेके आए हैं, हमारी तादाद मतलब वो तो बहुत ज्यादा है, वो लोटे लाते तो पूरे लोटे लोटे हो जाने थे इधर, तो इसलिए हमें ये अभी। लेकिन हमारा जो मेन है नून अहमद आलम खान है, जो कि अब वाशरूम में लोटा यूज नहीं करता। और आमिर लियाकत नहीं है इनमें से कोई? आमिर लियाकत की बात ना करें आप, ना ना ना, वो गद्दार नहीं है, वो गद्दारों का अगर मेरे सामने आ गया ना मैं ऐसी उसकी करूंगा ना, उसको लोटे की इधर बिठा के ना, इधर बिठा के इसको मैं उसको पूरे कराची का दौरा कराऊंगा और फिर पूछूंगा गद्दार कौन है। अच्छा, और एक वो फैसलाबाद वाले साहब भी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं मुझे उनका नहीं पता, सॉरी। राजा रियाज सबसे बड़ा, वो मैं लोटों के सरदार है, वो तो लोटों के सरदार है, ये बहुत बड़ा लोटा है। अगर एक अगर अभी लोटा यूज नहीं करता, अगर पूरे पाकिस्तान में लोटे इकट्ठे कर दिए जाए ना, उनमें जो सबसे बड़ा लोटा वो ये रियाज। अच्छा ये बताइएगा, ये टूटा हुआ लोटा भी आपके पास है, ये कौन है? ये दोस्त मोहम्मद मजारी, जिसके बाल खींचे गए आज, वो टूट गया बेचारा, उसको पता ही नहीं है। दिखाइएगा नाज़िम, ये देखे दोस्त मोहम्मद मजारी जो के कौम स्पीकर है वो है। अच्छा यहाँ पे हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं लोटों के बारे में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी ये फौज आर्मी, हम इनके लिए हमारे दिल में बहुत एहतराम है, ठीक है जी, ये हमारे जो है ना सरों के ताज है, इन्होंने बहुत शहादतें दी हैं। मेरे से एक सवाल है, ये कहते हैं जी साजिश नहीं मुदाखलत हुई है, अगर मुदाखलत भी हुई है तो इसको मुदाखलत कामयाब भी हो गई है तो इसको इससे बचाना, मुदाखलत ना होने देना किसका काम था, इसको कौन बचा सकता था? जिसके पास जो हमारे बड़े इदारे हैं, मोहतरम हमारी अदालतें हैं, मोहतरम हमारी अफवाज है, ये उनका काम था, वो इसमें इंटरफेयर करके इस मुदाखलत को कामयाब ना होने देते। इसका मतलब ये है मुदाखलत कामयाब हो गई तो ये सारे क्या इदारे उससे मिले हुए थे, हम नहीं सोच सकते कि हमारे इदारे मिले होंगे, लेकिन ये हमारा सवाल है कि साजिश कामयाब कैसे हो गई, वो खुद कहते हैं मुदाखलत हुई है, मुदाखलत कामयाब कैसे हो गई? अगर ये इदारे हमारे न्यूट्रल है तो न्यूट्रल नहीं रह सकते इसमें। मैं एक मिसाल देता हूँ, मिसाल ये है, अगर इंडिया की कोई यहाँ मुदाखलत पकड़ी गई है, उन्हें कहा जी यहाँ पर बंदा पड़ा गया, यहाँ पर बम है, तो वो बम को डिफ्यूज करना किसका काम है? हमारे इदारे जाके करेंगे, वो ये नहीं कहेंगे जी हमें हमारा जो है ना कानून अलाउ नहीं करता। अगर ये मुदाखलत हुई है तो हमारे इदारों को चाहिए था कि इसको मुदाखलत को कामयाब ना होने देते। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे एक सवाल का जवाब दें कि अदालत जिंदगी में कभी आपने सुना कि इमरान खान को हटाने के लिए अदालत कभी रात को 12 बजे ये केस लगाओ? ये सारी साजिश हुई है बिल्कुल, ये अमेरिका का किरदार है साहब से। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।